नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है गौरव शिंदे तबला। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले जो हम तबले पर उठान बजाते हैं, और लगी के पहला का जो पार्ट होता है उठान वाला, तो वो पार्ट आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो अगर आपने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहाँ उस वीडियो के लिंक पर क्लिक कीजिए और पिछले लगे के पार्ट को अच्छी तरह से देख लीजिए, ताकि ये जो उठान वाला पार्ट है, इसका जो एप्लीकेशन है वो लगे के पार्ट का पिछला वाला हिस्सा है। जैसे कि मैं आपको एक भजनी ठेका सुनाता हूँ। ये हो गया भजनी ठेका। उसके बाद हम लग्गी बजाएंगे, उठान बजाएंगे। उठान इस प्रकार से, मैंने आपको बहुत सारे उठान सिखाई है, उसमें से एक उठान मैं आपको बजा के दिखाता हूँ, और उसके वेरियस टाइप आपको बजा के दिखाता हूँ। पहली उठान थी तिट ताता तिट ताता तिट ता तिट ता तिट, वो इस प्रकार से तिट ताता तिट ताता तिट ता तिट ता तिट, ये उठान। और एक उठान है तीना ना तीना ना तीना ना तीना तीना ना तिरकिट, इस प्रकार से तीना ना तीना ना तीना ना तीना तीना ना तिरकिट, इस प्रकार से। और जो चौगुन वाली उठाने मैंने आपको सिखाई थी वो इस प्रकार से थी, तित्ता ता कत्ता के त्रिकट तगत कत्क की कत्ता के त्रिकट, तित्ता ता कत्ता के त्रिकट तगत कत्क की कत्ता के त्रिकट। तो मैं एक बार आपको भजनी ठेका बजा के दिखाता हूँ, उसके बाद उठान बजा के दिखाता हूँ, और उसके बाद लग्गी बजा के दिखाता हूँ, वो इस प्रकार से धिन्ना धिन धिन्ना धिन्ना धिन धिन्ना। अगर आपको भजनी ठेका अच्छी तरह से सीखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उस वीडियो के लिंक पर क्लिक कीजिए। मैंने उस वीडियो के टाइटल पर भजनी ठेका वन इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप वहाँ जाइए और उस वीडियो के लिंक पर क्लिक कीजिए, और अच्छी तरह से भजनी ठेका है वो बजाना सीख लीजिए। और जो उठान की जो और जो लग्गियों की जो वीडियो है वो काफ़ी सारी मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाकर उसे देख लीजिए। तो ये भजनी ठेका इस प्रकार से, दोस्तों ये जो मैंने उठान बजाई तिट ताता तिट ताता तिट ता तिट ता तिट, ये उठान हम दुगुन के लिए बजाते हैं, और ये चौगुन, ये आगे चलकर हम चौगुन के लिए भी बजाएंगे, पर आप ज्यादा से ज्यादा इस उठान का जो यूज है वो दुगुन के लिए कीजिए, वो इस प्रकार से तिट ताता तिट ताता तिट ता तिट ता तिट, इस प्रकार से। तो दोस्तों आज की जो उठान है मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ वो इस प्रकार से है, तो इस प्रकार से जो उठान है वो हम तबले पर बजाएंगे। तो देखते हैं इसके एक एक बोल के बारे में। तो उसका पहला बोल है, मैं आपको एक बार उठान स्लो में बजा के दिखाता हूँ, भजने ठेके में धिन धिन। ये जो उठान है अक्सर हम जब चौगुन बजाते हैं उस टाइम हम इस उठान का यूज करते हैं। दोस्तों इस प्रकार से ये उठान थी, हम सीखेंगे इसके एक एक बोल के बारे में। नगतिन 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 नाना तिरकिट, इस प्रकार से नगतिन 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 नाना तिरकिट, नगतिन 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 नाना तिरकिट, इस प्रकार से। ये जो 6 7 8 मात्रा हो गया, 8 मात्रा हो गई, 8 मात्रा का। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो उठाने हम इस प्रकार से इसे बोलेंगे, नगतिन 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 नाना तिरकिट, ये जो 8 मात्रा हो गई। और हमें पता है कि भजनी ठेके में 8 मात्राएं होती है, वो इस प्रकार से नगतिन नगतिन।
इस प्रकार से। तो दोस्तों इसके एक बोल के बारे में समझते हैं। आपको नग तीन ये जो बोल है वो अच्छी तरह से आना चाहिए। ये नग तीन बोल हम जब इसकी थाप बजाएंगे वो इस प्रकार से इधर बजाएंगे और इधर भी बजा सकते हैं, पर जब हम जो चौगुन में बोल बजाते हैं और जो चौगुन में लग्गिया बजाते हैं उसके लिए आपका जो आपको अगर फास्ट में उठान लेनी हो तो आप यहाँ ही कत बजाइए और वो जो नग तीन है नग क तीन तो ये क इस प्रकार से इधर बजाइए। तो दोस्तों ये जो इसका पहला बोल है वो है न ग तीन और न क तीन, न क तीन इस प्रकार से, ये न न क और ये तीन, तीन आप इस प्रकार से बजाइए और थाप लेके बजाइए। दोनों भी आप बजा सकते हैं पर अक्सर हम इस प्रकार से बजाते हैं नग तीन थाप लेके ही हम वो तीन है वो बजाते हैं नग तीन नग तीन नग तीन नग तीन नग तीन इस प्रकार से नक तीन इस प्रकार से, ये न क और तीन वो इस प्रकार से नक तीन 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 ना ना तेरे के आठ नहीं आप इसके नग तीन नग तीन नग तीन नग तीन नग तीन नग तीन ना ना तेरे के आपको छह बार ये बजाना है वो इस प्रकार से नग तीन नग तीन नग तीन नग तीन नग तीन नग तीन ना ना तेरे के। इस प्रकार से ये जो बोल है आपको छः बार बजाना है। तो दोस्तों ये जो लगी है हमें नग तीन ये सिक्स टाइम्स बजाना है वो इस प्रकार से नग तीन नग तीन नग तीन नग तीन नग तीन नग तीन ना ना तेरे इस प्रकार से। तो दोस्तों चलिए ये जो बोल है नग तीन आपका छः बार हो गया। उसके बाद हम तिरकिट बजाइए नाना तिरकिट नाना तिरकिट इस प्रकार से नाना तिरकिट नाना तिरकिट इस प्रकार से हमें तिरकिट बजाना है ना ना और ये तिरकिट। अब मैं आपको भजनी ठेका सिखाऊंगा उसके बाद उस पे उसमें उठान सिखाऊंगा उसके बाद उसकी लग्गी सिखाऊंगा और उसके बाद उसकी जो तिहाई है वो सिखाऊंगा। एक बार फिर से सुनिए धिन ना धिन धीना धिन ना तीन तीना इस प्रकार से धिन ना धिन धीना धिन ना तीन तीना धिन ना धिन धीना धिन ना तीन तीना इस प्रकार से। ये जो मैंने बजाया उसका प्रकार था पर आप धिन ना धिन धीना धिन ना तीन तीना इस प्रकार से बजाइए धिन ना धिन धीना धिन ना तीन तीना। ये हो गया भजनी ठेका। आप उसमें अब ये जो उठाने वो डालिए वो इस प्रकार से धिन ना धिन धीना धिन ना तीन तीना धिन ना धिन धीना धिन ना तीन तीना तीन ना तीन ना तीन ना तीन ना तीन ना तीन ना ना तीन। ये होगी भजनी ठेका और उसकी उठान वो इस प्रकार से धिन ना धिन धीना धिन ना धिन धिन। इस प्रकार से भजनी ठेका और उठान। उसके बाद हम शुरू करेंगे लग्गी। अब जो लग्गी है मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में जो हम चौगुन में जो लग्गी बजाते हैं उसके बारे में मैंने वीडियो डाल दिए है आप जाकर उससे अच्छी तरह से देख लीजिए। जो हम चौगुन में लग्गी बजाएंगे वो इस प्रकार से धनाति तीन तकिट तनाति तीन इस प्रकार से। ये लग्गी मैंने आपको अच्छी तरह से सिखाई है आप मेरे उस वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए। इस आई बटन पर क्लिक कीजिए और उसे उस लग्गी को देख लीजिए। तो मैं एक बार फिर से भजनी ठेका उसके उठान और आपको ये जो लग्गी है उसमें जोड़कर दिखाता हूँ वो इस प्रकार से धिन ना धिन धीना धीना धिन धिन। दोस्तों इस प्रकार से ये जो बोले हम तबले पर बजाएंगे और उसके बाद लग्गी के बाद हम फिर से एक बार एक तिहाई लेंगे वो तिहाई है कत धान धान धा तिट कत धान धान धा तिट कत धान धान धा इस प्रकार से कत धान धान धा तिट कत धान धान धा तिट कत धान धान धा। एक बार फिर से सुनिए तिट कत धान धान धा ये तिट उसके बाद कत उसके बाद धान धान धा तिटकत धान धान धा तिटकत धान धान धा तिटकत धान धान धा इस प्रकार से। तो एक बार भजनी ठेका सुनिए उसकी उठान सुनिए लग्गी सुनिए और तिहाई सुनिए।
मैंने जो तिहाई के बाद जो बजाया है वो इस प्रकार से था धिन धा तिट धिन धा तिट धिन धा तिट था धिन धा तिट धिन धा तिट धिन धा तिट था। ये बोल आप नोट कर लीजिए वो इस प्रकार से धा धिन धा तिट धिन धा तिट धिन धा तिट था। एक बार फिर से सुनिए धा धिन धा तिट धिन धा तिट धिन धा तिट था। इस प्रकार से आप ये बोल बजाइए। अब मैं आपको सारा जो मैंने आज आपको सिखाया वो अच्छे से मैं आपको एक बार फिर से बजा के दिखाता हूँ। उसमें भजनी ठेका, उसकी उठान, उसके बाद है उसकी लग्गी और उसकी तिहाई, और उसका जो अंत वाला रीजन है और उसका जो लास्ट वाला रीजन है जो मैंने आपको तोड़ बताया उसको हम तोड़ कहते हैं। तो मैं आपको वो अच्छे से बजा के दिखाता हूँ। जो तोड़ है हम इस प्रकार से लेते धा धिन धा तिट धिन धा तिट धिन धा तिट धा। धा के बाद हमें फिर से भजनी ठेका शुरू शुरू करना है वो इस प्रकार से धा धिन धा तिट धिन धा तिट धिन धा तिट धिन ना धिन धिन ना धिन ना। तो दोस्तों ये जो बोल है हम आप मराठी में एक सॉन्ग है जो पंडित भीमसेन जी जोशी इन्होंने गाया है। उसका नाम है माझे माहेर पंडरी। तो आप मेरे उस वीडियो पर जाइए और मैंने उसके उस पर तबला किस प्रकार से बजाना है और तबला हम किस प्रकार से बजाएंगे उसका एक वीडियो अपलोड किया है। और वो गाना मैंने तबले पर अच्छी तरह से प्ले किया है। आप वहाँ जाइए और अच्छे से देखिए कि मैंने भजनी ठेका किस प्रकार से बजाया है, उस पर उठान किस प्रकार से लिए और उसके बाद लग्गी तोड़ और फिर से एक बार भजनी ठेका। ये जो मैंने साइमल्टेनियस जो साइकिलें है भजनी ठेके की जिस प्रकार से साइकिल है, पहले हम ठेका बजाएंगे, उसके बाद हम उसकी उठान लेंगे, उसके बाद लग्गी बजाएंगे, उसके बाद फिर से एक तिहाई बजाएंगे और उसके बाद लेंगे तोड़ और फिर से एक बार भजनी ठेका शुरू करेंगे। ये जो साइकिल है वो आपको अच्छे से ध्यान में आनी चाहिए और अगर आपको ये साइकिल अच्छे से याद रहती है तो आप अच्छे से भजनी ठेका बजा सकते हैं और कौन सा भी भजन आए तो आप इस प्रकार से बजा सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको और भी कुछ कंटेंट चाहिए भजनी ठेके के बारे में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमें लग्गी का लेसन चाहिए और भजनी ठेके में जो प्रकार है उनका लेसन चाहिए। मैं उस तरह से आपकी डिमांड पे वीडियो डाल दूंगा। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये बोल पसंद आया तो आप अच्छे से इसका रियाज कीजिए। अगर आपको ये बोल चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मैंने इस बोल को वहाँ सविस्तर से दिया है। अगर आपने भजनी ठेके को नहीं सीखा, उठान को नहीं सीखा तो आप मेरी पिछली वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उस वीडियो की लिंक को क्लिक कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।